हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने ये चीज तो निकालना सीख लिया, अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था। क्या था वो क्वेश्चन? इवेल्युएट करना था साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 और √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√2। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2√2 होगा, √2 प्लस 2 क्या आएगा, 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2√2। क्लियर है, ये भी आंसर कर सकते हैं। अब आप इसको हैरो का परिमेयकरण करके भी आंसर कर, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, और इसको हैरो का परिमेयकरण जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वो भी करके और इवेल्युएट कर सकते हैं, बट हमने इतना ही लिखा है आंसर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की ओर। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.2। तो आइए देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, 8.2 में क्वेश्चन क्या है लिखा, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसका हमें मान निकालना है। तो देखो, सीधा सा फंडा है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना तो क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो बस फटाक से क्या करना है कि साइन 60 का वैल्यू को पुट करना है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू को पुट करना है, और जितना लिखा है जितना भी लंबा आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, बस वैल्यू को पुट कर देते हैं और सिंपली सी इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। जब देखो हम कैसे बनाते हैं इसको, साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। हमने लिखा √3/2 इंटू मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू ही √3/2 होता है। क्लियर है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए। अब उसके बाद क्या है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसके बाद कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। यहां तक करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, नहीं है प्रॉब्लम ना तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों को आपस में करते हैं तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब क्या है ना, अब क्या करेंगे जल्दी से बताओ, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 डिवाइड करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसी टाइप से इधर भी, यानी 4/4 आया, कैंसिल 1 आया, तो 1 आया, कितना आसान है ना। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखिए सेकंड क्या है, लिखा है 2 tan² 45 डिग्री, तो 2 tan आ गया तो इससे दिक्कत नहीं है, 2 को इंटू में रख देते हैं, कोस्ट दे देते हैं, ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो कोस्ट दे देते हैं। tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 1 स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर दे देते हैं। क्लियर। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इसको भी हमने स्क्वायर दे दिया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो 2 इंटू 1 में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो हम स्लोली चल रहे हैं, आप चाहे तो ये स्टेप को चुरा भी सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे 2 कर सकते हो, प्लस
यहाँ पे देखो रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है, थ्री, थ्री बाई फोर हो जाएगा, माइनस इसका भी हो जाएगा थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा थ्री बाई फोर। अब देखो ये थ्री बाई फोर प्लस में, यहाँ पे थ्री बाई फोर माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया खत्म। टू में वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू, इसका आंसर टू। क्लियर है ना, है ना इजी। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बुक उठाओ देखो। देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को, कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या था, 1 बाई रूट टू होता है ना, तो लिखेंगे 1 बाई रूट टू डिवाइडेड बाई सेक 30। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 बाई रूट थ्री, 2 बाई रूट थ्री प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2। नेक्स्ट क्या करेंगे देखो, 1 बाई रूट टू तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे, यहां पे देखो एलसीएम करेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा रूट थ्री, तो 2 रूट थ्री होगा ना। नेक्स्ट 1 बाय रूट टू इंटू ये ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस टू रूट थ्री। 1 से रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे रूट टू से इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 रूट टू प्लस यहाँ देखो 2 रूट सिक्स, इतना आएगा। अब इसके बाद इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे, क्या है ना कि अगर ये एक दो नंबर में आएगा तो इतना भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन आगे तीन नंबर में, चार नंबर में, पांच नंबर में, तो इसको पूरा इवेल्युएट और करेंगे, इसको हरों का परिमेयकरण कर देंगे। तो हरों का परिमेयकरण का रूल होता है, जो साइन होता है ना प्लस, वो चेंज हो जाता है, मतलब निगेटिव प्लस है तो निगेटिव, निगेटिव है तो प्लस हो जाता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, ये रूल है, आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में, टू रूट सिक्स मल्टीप्लाई करो, टू रूट टू में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू रूट एटीन। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसको होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, यानी रूट टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो टू रूट सिक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, एटीन है, एटीन को और चेंज करो तोड़ो, टू रूट एटीन है ना, देखो टू रूट एटीन है, तो एटीन को और चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, टू से नाइन, थ्री से थ्री, थ्री से नाइन, यानी थ्री रूट टू, टू इंटू थ्री रूट टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिक्स रूट टू लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे देखो माइनस इसको सिक्स रूट टू लिख दिए, डिवाइड टू रूट टू का होल स्क्वायर है, टू टू जा फोर और फोर टू जा एट हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर और सिक्स ट्वेंटी फोर। नेक्स्ट क्या होगा, टू रूट सिक्स माइनस सिक्स रूट टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन। यहां तक कोई दिक्कत है। अब यहां पे एक और चीज देखो, टू रूट सिक्स है यहाँ पे, माइनस सिक्स रूट टू है, तो टू रूट टू दोनों से कॉमन हम कर ले, टू रूट टू, तो टू रूट टू अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, टू, यहाँ देखो टू रूट सिक्स है तो
टू रूट टू निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या सिर्फ बचेगा रूट थ्री। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, टू रूट और थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ पे टू रूट सिक्स आ गया। यही होता है कॉमन करने का तरीका, फिर उसको गुना करने पे वही आ जाना चाहिए। अब ये और उसके बाद क्या होगा, हाँ और साइन साथ में ना साइन को भी निकालो, साइन को भी कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव प्लस, और टू रूट टू निकला यहाँ से तो सिक्स में से टू निकल जाएगा तो क्या बचेगा थ्री, थ्री बचेगा और रूट टू था वो तो निकल ही गया, तो अब कुछ नहीं सिर्फ थ्री डिवाइडेड बाय माइनस 16। हमने देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों कॉमन लिया, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लिया कि यहाँ पे देखो नीचे भी हमारा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव अच्छा नहीं दिख रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट कर देंगे और ये साइड हमारा बड़ा दिख रहा था तो इस साइड से इसको चेंज कर देंगे तो आ जाएगा अच्छा सा दिखेगा, इसलिए इसको इसको हमको करने के लिए इसको हटाने के लिए हमें नेगेटिव साइन को कॉमन लेना पड़ा। अब उसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये टू से ये कैंसिल, एट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस में है तो प्लस में है, अच्छा छोड़ एक स्टेप और ले लेते हैं, रूट टू बचा ऊपर में, रूट टू इंटू माइनस रूट थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एट, इतना लिख सकते हैं ना, चलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे क्या है, इसको रूट टू को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस रूट सिक्स थ्री रूट टू अब डिवाइडेड बाई एट, ये लिख सकते हैं ना, बारीकी से देखना, जहां कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो ये निगेटिव है ना ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को इस साइड लेते हैं और निगेटिव को बीच में कर लेते हैं, ये हो जाएगा थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाई एट। इसको और आगे कर सकते हैं और इसको चेंजेस कर सकते हैं, तो और आगे क्या चेंजेस करोगे, कुछ नहीं है उतना, तो इतना पे आंसर कर दो, ये रहा आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन, ज्यादा इजी लगा या फिर हार्ड लगा, आप कमेंट में जरूर बताओ, इजी लगा या हार्ड लगा, है ना, बहुत ही अच्छे तरीकों से बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, साइन थर्टी प्लस टेन फोर्टी फाइव माइनस कॉसेक सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाई सेक थर्टी डिग्री प्लस कॉस सिक्सटी डिग्री माइनस कॉट फोर्टी फाइव डिग्री, वैल्यू को पुट करो। साइन थर्टी का वैल्यू क्या था, वन बाई टू प्लस टेन फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू वन माइनस कॉसिक सिक्सटी का वैल्यू टू वाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई सेक थर्टी का वैल्यू होता है टू बाई रूट थ्री प्लस कॉस सिक्सटी का वैल्यू क्या होता है वन बाई टू प्लस कॉट फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू वन। अब इसको सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा कैल्सियम ले लो, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री, टू से टू कैंसिल रूट थ्री होगा तो रूट थ्री में वन से मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री प्लस, अब यहाँ देखो टू रूट थ्री, टू रूट थ्री में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल टू बचेगा, टू में टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जा फोर, क्लियर है, डिवाइडेड बाई इसको देखो इसको भी आप एलसीएम ले लो, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री को थ्री रूट थ्री से डिवाइड करेंगे तो टू, टू में से टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर प्लस टू से टू कैंसिल रूट थ्री होगा, रूट थ्री में वन से मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या करते हैं, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे,
रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, इतना बचेगा है ना। अब यहाँ पे कुछ और दिख रहा है क्या चेंजेस कुछ? यहाँ देखो रूट थ्री ये भी सेम है, रूट थ्री ये भी सेम है, कुछ नहीं तो वन होता है इस साइड। यहाँ पे देखो टू है ना, तो वन और टू थ्री हो जाएगा, और रूट थ्री है तो रूट थ्री, थ्री रूट थ्री माइनस फोर लिख सकते हैं। यहाँ पे उसी तरह इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वन और टू थ्री, थ्री रूट थ्री, इसको भी इस साइड कर दो, थ्री रूट थ्री और ये प्लस फोर लिख सकते हैं ना। फिर क्या करना है, इसको परिमेयकरण कर दो, थ्री रूट थ्री साइन चेंज किया जाता है, थ्री रूट थ्री माइनस फोर। ऊपर में देखो ए प्लस सॉरी ए माइनस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप चुरा सकते हो, कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री रूट टू का सॉरी थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप चुरा सकते थे एक स्टेप, डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लिख सकते थे, बट मैं बारीकी से चल रही हूं। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहां पे भी एक स्टेप चुरा सकते थे, इसको डायरेक्टली कर दो, थ्री थ्री जे नाइन, नाइन थ्री जे ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो थ्री 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 जे नाइन, नाइन थ्री जे ट्वेंटी सेवन यहाँ पे होगा, प्लस फोर फोर जे सिक्सटीन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री टू जे सिक्स और सिक्स फोर जे ट्वेंटी फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय सेवन माइनस सिक्स वन, टू माइनस वन वन इलेवन। और क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, टू और वन थ्री फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय इलेवन। और कुछ भी कर सकते हैं इसमें, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, ये हमारा लास्ट आंसर, क्लियर है ना। आप फिर से देख लो हमने क्या किया इस टाइप के क्वेश्चन को, बस जितना मान दिया गया था उसको हमने लिखा, फिर उसके बाद सॉल्व किया, ये भी इनका जोड़ बनाया, टू रूट थ्री एलसीएम, फिर वो आगे सॉल्यूशन आपको तो पता है एम का जोड़ कैसा होता है, आप टेंथ क्लास के स्टूडेंट है इतना भी आता ही होगा। फिर नेक्स्ट में देखो क्या क्या, फिर हरों का इतना आया ना, इसके बाद हमने हरों का परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण के बाद हमने इस स्टेप से सॉल्यूशन किए, तो ये रहा हमारा आंसर। देखो अब क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा है, फाइव कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री, फाइव कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री, तो इसको कैसे लिखेंगे, फाइव कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री, तो कॉस सिक्सटी का वैल्यू क्या होता है, वन बाई टू, तो स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर डाल दिए, दिक्कत नहीं है। प्लस फोर है तो फोर, सेक स्क्वायर थर्टी डिग्री, तो सेक स्क्वायर थर्टी डिग्री का वैल्यू होता है टू रूट थ्री, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दिए। माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री, टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन होता है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री, साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री, तो साइन थर्टी का वैल्यू वन बाई टू। प्लस कॉस स्क्वायर
थर्टी डिग्री रूट थ्री बाई टू, ये भी स्क्वायर में है। लो देखो हमने स्क्वायर भी डाल दिया। अभी लगता तो है कि ये आप लोग आसान से आसानी पूर्वक बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपका हेल्प कर देती हूँ। देखो फाइव है तो फाइव को पहले हम ये डिवाइडर बना लेते हैं, फाइव को इनटू में ही रखते हैं, वन बाई टू का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर प्लस फोर इंटू टू टू जो फोर और रूट थ्री का थ्री माइनस वन, इसे क्या लिखेंगे वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे फाइव इंटू वन बाई फोर क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर, डिवाइडर बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस, ये देखो फोर है यहाँ पे भी फोर है, फोर फोर जस्ट सिक्सटीन, सिक्सटीन डिवाइडर थ्री माइनस वन। क्लियर है ना? अब देखो वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, अब देखो क्या करते हैं, फोर थ्री का एलसीएम ले लेते हैं फटाक से, ट्वेल्व, जब एलसीएम ना लगे गुना कर देते हैं, बारह हो गया, फोर में हम ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा थ्री, थ्री में फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन, प्लस ये हो गया फोर सिक्सटी फोर, यहाँ पे होगा माइनस ट्वेल्व, फोर वन प्लस थ्री। देखो यहाँ पे ये देखो फिफ्टीन, ये सबको जोड़ दो, देखो ये दोनों को हमने जोड़ दिया था सेवेंटी नाइन माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, और ये क्या हो जाएगा थ्री और वन फोर, फोर बाई फोर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडर बना देते हैं। देखो सिक्सटी सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इंटू ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, वैसे भी इसे नहीं भी लिखे तो चलता क्योंकि ये कट जाएगा। आंसर क्या है 67 डिवाइडेड बाई 12 आंसर। देखो क्या हमने क्या फिर से स्टार्टिंग से देखो, हमने ये वैल्यू पुट किए, फिर इसको सॉल्व किया, एक स्क्वायर किए, फिर ये विम का जोड़ बनाया, फिर हमने क्या किया सॉल्यूशन किया, फिर उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन किया, और फिर लास्ट में क्या है 67/12 इंटू 4/4, 4/4 कैंसिल कट गया वन, तो 67/12 को वन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 67/12 आई है ना हमारा आंसर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो फ्रेंड्स तो प्लीज प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।